नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। सुवर्णपुर शहर के नलिनी चौक के पास के हनुमान मंदिर के करीब सोनपुर थाने के कर्मचारियों ने भारी संख्या में गांजा जब्त करने की खबर है। सूचना के मुताबिक बौद्ध जिला मनमुंडा तरफ से CG 10C9670 एक बड़े ट्रक में राज्य के बाहर गांजा चालान होने की खबर पाकर सोनपुर पुलिस गाड़ी को नलिनी के पास से काबू किया था। गाड़ी का चालक फरार होने की खबर है। सोनपुर थाना अधिकारी की मौजूदगी में गाड़ी में से 2 क्विंटल 40 kg गांजा जब्त किया गया है। आज जो आप समिति मीटिंग होती विभिन्न विभाग रे काम अवहेल पड़ी तापर आज 23 गोटी पंचायत समिति सभ्य मैंने उद्योग प्रकाश करापर आप कौन कह तो जहाँ हूँ आम जान पार्बा काम के काम हो जेनटा कि मोबाइल मान को भाइराल हो भाइराल लेकर काम हो ना समिति जानी पारे ना चेयरमैन ना बीडीओ ना जे आम टोटाल किए ना जान पार काम मान तो कौन कह भगवान भरोसा अच्छे चेयरमैन के आम पंचायत समिति मेम्बर ब्लक कण घटे कण नहीं आम कि ही जान पार माननीय मुख्यमंत्री जी भी टंका बरपाली ब्लॉक के दे जदि कौन हाई अथॉरिटी ताकू जदि इंक्वायरी करदे अनुसंधान करदे तो कौ जगार से काम है ना ना काम होने निश्चय से जानपर किंतु आज्ञा आप बिना दस्तखत तो कौन काम एप्रूव हुए नहीं कौन बिल भी हुए नहीं कि आप केमती कहते जे आप बिना अजाणत सब कम गुड़ाक हो तो मुझे कहली मो स्कूल अभियान जोटा मो स्कूल तैयार होगा मोबाइल भाइराल हो तो आम जदि सरकार कौन जे विजयपुर कन्स्टिट्यूसी बहुत सुंदर स्कूल हाईस्कल गुड़ाक बनाबार लगे आम जब विरोध करूँ तब सरकार को विरोध करूँ तो बाध्य फाइनटा है प्रदर्शन देवार R9 भारत के लिए मानस बहेरा की रिपोर्ट। मयूरभंज जिले में बालने पौरा जिला प्रशासन और बालू माफिया के बीच गहरे संबंधों की वजह से प्रशासनिक अधिकारी और बालू माफियाओं के जेब गर्म हो रही हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि इस मामले में जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। यह दृश्य मयूरभंज जिले के बड़शाही प्रखंड के आरपट्टा बालीघाट का है। वहां मशीन से बालू खनन हो रहा है। जो परवान पत्र मिला है उसकी बिना पे जितना चाहिए था उससे लगभग 10 गुना अधिक रेत खनन हो चुका है और ये डिंगीरा बालीघाट का प्रखंड जिसके पास खनन का परवान है लेकिन 100-100 ट्रैक्टर से रोज बालू का खनन हो रहा है। निश्चितपुर मौजा से जिसका अज्ञान पत्र नहीं है खनन का और यहाँ से बालू का सभी वाहन बरसाना गांव की सड़क से गुजरते हुए जाते हैं इसीलिए वहाँ की सड़क भंगूर जैसी बन चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय तहसीलदार से शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि प्रशासन की नजर ही नहीं है। परवान पत्र के बाद भी बालू की अवैध तस्करी जारी है। न केवल बड़शाही प्रखंड बल्कि मयूरभंज जिले के रास गोविंदपुर मोरोडा कप्तिपदा तथा अन्य प्रखंडों के बालूघाट से बालू माफियाओं के द्वारा बालू के उभार को देखा जा रहा है। यह सब काम प्रशासन की नजरों के सामने चलते आ रहा है लेकिन यह सच है कि उन्होंने माफियों से हाथ मिलाकर ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे कुछ पता ही न हो। आम इंसानों का सवाल है कि जिस तरह जिले के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का बालू माफिया कितने करोड़ से मंडवाली कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ या शक्तिशाली राजनेता अच्छी तरह वाकिफ होंगे कितना मुनाफा मिल रहा है बालू माफियाओं को। इसलिए बालू का तस्करी शक्तिशाली राजनेताओं की भागीदारी से चलती आ रही है बिना कोई कार्रवाई के ऐसा कहना है विरोधियों का। कानून के तहत अवैध बालू खनन के लिए आपराधिक तौर से मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई हो सकती है लेकिन जिला प्रशासन के इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पर्दा डालना कहीं न कहीं सवालों के घेरे में डाल रहा है। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है उसके बावजूद अधिकारी और माफिया अपनी जेब भरने में लगे हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और विरोधियों ने सतर्कता विभाग से जांच कराने की मांग की है। राकेश सिंह, सभापति दलित आदिवासी महासंघ। मयूरभंज जिला में बालू खनन हो रहा है, इसका तस्करी जो चल रहा है, इसके बारे में क्या राय है आपका?
देखिए बालू का जो खनन हो रहा है, बालू चाहे बोलिए या पत्थर का जो चिप्स का होता है, मेटल का होता है उसका बोलिए, ये हर जगह पे मनमानी चलता है। ऑफिसर्स और जो जो टेंडर भर के लीज लोग लिए हैं, इनका बीच में जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप के लिए जहाँ का ज़मीन का जो खनन होता है वहाँ पे बहुत रेवेन्यू लॉस होता है गवर्नमेंट का, उसके बाद लोगों का भी बहुत सारा वहाँ पे दिक्कतें होते हैं। मगर यहाँ पे जो सिचुएशन ही ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो आदिवासी जिला है, यहाँ पे जल जंगल ज़मीन सब आदिवासियों का है, जो बेनिफिट मिलना चाहिए आदिवासियों को वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और उसके सबसे बड़ा चीज़ ये है, जो हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो टेंडर्स लिए हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन बहुत घना रिश्ता है, और ये रिलेशनशिप सब पैसा से चलता है, और इसका कोई बेनिफिट आज तक आदिवासी जो जिला है आदिवासी लोगों को नहीं मिल रहा है। इसका पूरी तरह से जिम्मा खुद सरकार है। सरकार अगर चाहे जो इलीगल माइनिंग हो रहा है उसको रोक सकते हैं, बट वो चाहते भी नहीं है रोकने के लिए। कहीं ना कहीं जिलावासी जितने जिला निवासी हैं उन लोगों का कहना है कि थर्ड फ्लोर में बैठे हुए कोई शक्तिशाली राजनेताओं का इसमें शामिल है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए बोलते तो हैं लोग, पता नहीं क्या है क्या नहीं है करके, बट इतना तो पता है अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन रहते करप्शन हो रहा है या पैसा का डील हो रहा है, मतलब ऊपर से लोग कनेक्टेड हैं, नहीं तो इतना किसी का साहस भी नहीं होता यहाँ पे करप्शन करने के लिए। अगर ऑफिसर्स कर रहे हैं तो उनके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं वो करप्ट हैं, या तो उनके जो नेता हैं वो करप्ट हैं, जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। वो लोग बोलते हैं पता नहीं है, बट हो भी सकता है रिलेशन है करके, नहीं तो इतना करप्शन नहीं होता। जो राजस्व यहाँ पे मयूरभंज जिला में जो राजस्व का हानि हो रहा है, जितना नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का चुप्पी साधना इस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। हाँ हाँ 100% ये जो लॉस हो रहा है जो गवर्नमेंट का, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, आज नहीं बहुत सालों से हो रहा है, और इसका आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सर आपका नाम और पहचान? फागु हंसदा, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मयूरभंज, नाउ सेंट्रल कमेटी मेंबर झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये जो अवैध रूप से बाली खनन हो रहा है मयूरभंज जिला में, इसके बारे में आपका क्या राय है? ये तो बाली खदान जो हो रहा है एकदम गलत तरीके से हो रहा है। ये सब आप लोग का देखिए, ये सब थर्ड फ्लोर का मामला है। ये थर्ड फ्लोर जो चीफ मिनिस्टर दफ्तर हो रहा है होता है, वही पे जो पांड्यान नाम है ना चीफ मिनिस्टर का, जो 5T सचिव है, इन लोग का खेल है। ये सारी खेल इन लोग का साथ जुड़े हुए मामला है। और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार और राजनेता, यही जिला का आप लोग का रेवेन्यू मिनिस्टर भी है, ये लोग चुपचाप बैठे हैं। ये लोग सब लोग का यहाँ पे ये जो कमाई हो रहा है इन लोग का भागीदारी है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप देखिए अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है, देश का जो हाल जैसे है, आप लोग का रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी यहाँ ये जो खनिज संपदा लघु खनिज संपद ये लोग लूट के ले रहा है। ये जिला का कोई आप लोग का भला ही नहीं होगा, ये सारी आप लोग का चीफ मिनिस्टर का दफ्तर का खेल है, और सब जानबूझ के ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इस मांग क्या रहेगा हम लोग का? मांग कम से कम आप लोग का हाई कमेटी बना के इन लोग का तदंत होना चाहिए, और जो अवैध रूप से जो कार्रवाई चल रहा है, जो खनिज खदान लूट रहे हैं, इन लोग को रुकना चाहिए। निमाय त्रिपाठी, उपाध्यक्ष बंजीसेना। क्या बोलेंगे जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में
चारों तरफ इलीगल जो चल रहा है उसको लेकर क्या करेंगे, इसमें कौन कौन सम्मिलित है और इसको लेकर किस तरह का बंद किया जाएगा? देखिए, इसके लिए प्रशासन ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। हम लोग कुछ दिन पहले यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस को भी घेराव किया था इसके वजह से कि आप उसका डेमोस्ट्रेशन कर, इसका एरिया बताइए और कितना कौन उठाएगा बाली, कहाँ से क्या उठाएगा बाली, उसका भी आप मेजरमेंट करके आप दीजिए। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है कि इन सब का मिली भगत है, बाली खदान जो लिया है तहसीलदार सब कलेक्टर यहाँ तक कि थर्ड फ्लोर तक भी यहाँ से मिली भगत है। देखिए, जो रेत का खदान है वहाँ से जेसीबी लग के रेत उठाया जाता है और उसको बेचा जाता है जो कि कानूनन जुर्म है, और इसके बदलत जो ऑफिसर भी वहाँ पे जा रहे हैं देख रहे हैं उनका भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ एक्शन नहीं है, इसको लेकर क्या बोले? सब पैसों का खेल है सर। देखिए, जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन को फॉलो कराना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आँख बंद कर देगा तो उसका मतलब क्या है? वो पैसा लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब और कुछ नहीं है। टॉप टू बॉटम में, जैसे पहले ही बताया, टॉप टू बॉटम नीचे से ऊपर तक कोई जो भी इसका मामले में सबके सब चोर हैं। यहाँ का मंत्री भी चोर है, यहाँ का मंत्री भी है, आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ का मंत्री भी है वो भी चोर है। यहाँ पर सबके सब मिले हुए हैं। R9 भारत के लिए श्रीकांत राउत की रिपोर्ट, मयूरभंज से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।